गाइस, मेरा भी ऐसे मेरे कैमरा। हां, गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम है ऋषिक मलिक। पतिवास्तन आज तो करने वाला पानी के एक्शन। चल चलते हैं। इधर आ बे, चप्पल छोड़ अपनी। नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ कैमरा, मैं नहीं दी हूँ। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरा नाम है साहिल मलिक और एक और फ्रेश व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और फ्रेश आज सही में फ्रेश है। ये व्यू देख लो बाहर का, ऐसा व्यू के साथ तुम उठो तो भाई फ्रेश तो हो गई। और बोटिंग चालू हो चुकी है, अभी उठ गए, ब्रश वगैरह कर लिया है, अपना ब्रेकफास्ट आ गया है। ये अपना ब्रेकफास्ट और ये इनका ब्रश चल रहा है अभी बच्चों का। तो ये दोनों बैठे हैं वहां पर, चलते विक्रांत दिया वगैरह को उठाते, बोलते ब्रेकफास्ट आ गया, ब्रेकफास्ट करें, फिर से जाएंगे बोटिंग। फिर बता रहे कि नीम करोली बाबा, सबने नाम सुना ही होगा, उनका यहाँ पर मंदिर है जो यहाँ से नैनीताल से सिर्फ 38 मिनट्स दिखा रहा है और मतलब 16-17 किलोमीटर है। तो सोच रहे हैं वहाँ जाएंगे या क्या करेंगे, अभी फिक्स नहीं है, देखते हैं। बाकी व्यू देख लो यार एक बार। तो देखो ये भी उठ गया रूम। चलो ब्रेकफास्ट आ गया, परांठा खाएंगे। पहले परांठे मंगवा देते, ले लिया पहले, नहाएगा पंडा था क्या तू, बिना नहाए नहीं खाते। चल ब्रश करो, चले फिर। तो ये पलटन फिर से उठ चुकी है और देखो अब हंगामा चालू होगा। आज ना व्लॉग तुम दोनों पे ही बनेगा, मैं सबको दिखाऊंगा कि तुम दोनों कितने शरारती हो। है क्या ये देखिए, एक बच्चा ये भी है, एक बच्चा ये भी है, ये कुछ नहीं कहते, तुम नहीं है। खा ले नहीं तो सबको बता दूंगा। जल्दी का। तो गाइस नहा दो के तैयार हो चुके हैं, ऑल सेट एकदम बोटिंग करने के लिए। और भाई अब धूप भी निकल आई ना तो बढ़िया बोटिंग में मजा आएगा। बाकी सारे बच्चे तैयार हैं, हमेशा तैयार है। दो शैतान प्राणी पहले ही तैयार थे। कहाँ है वो दोनों, ये बैठे। रूम की हालत देख लो भाई, जहाँ बच्चे हैं ना वहाँ रूम ऐसे ही रहते हैं, मैस। बस ये लड़की है एकदम शरीफ सी, ये ना बोलती कुछ। तो गाइस निकल चुके हैं, हम जा रहे हैं पहले जू, क्योंकि जू की ना 4 बजे एंट्री बंद हो गई थी। और ये देखो बिल्कुल ये जगह है, यहाँ से मिलती है टिकट, फिर जाएंगे। और इन दोनों शैतानों को मैं अपने साथ ले आया, क्योंकि भाई इन्होंने मार खा के भी कोई असर नहीं है इन पे। जू शटल सर्विस लिखा है वहाँ पर, शटल का बुक कराते हैं और पहले जू चलेंगे फिर बोटिंग। हाँ हाँ, ये जंगल है ना। हाँ ये जंगल है, ये देखो थोड़ी सी घास दिख गई, जंगल है। तो भाई यहाँ मिल रहा है एकदम गरम गरम भुट्टा। और ये भैया देते हैं अपने को टिकट, ऐसी शटल है जिसके 70 रुपीज़ हैं, इसमें जाएंगे यहाँ से ऊपर 1.5 किलोमीटर, फिर उसके आगे जू की टिकट लेनी है। भैया जू की टिकट कितने की पर पर्सन? जू में 100 रुपीज़ है, 100 रुपये की टिकट है पर पर्सन। और 12 साल से नीचे जो बच्चे हैं ना उनके फ्री है, पर इनका अभी जाने के शटल के पैसे इन दोनों के लगे हैं। ये आ गए हैं विक्रांत भैया साइश को लेके, और वो पकड़ो पकड़ो यश पकड़ो, लो भैया चम्मच है। तो भाई जब तक शटल आ रही थी इनके तो यहीं पर फोटो सेशन चालू हो गए हैं, यहीं भैया मेरे सारे बच्चों के साथ। क्या बता दे तू मेरा बैग छोड़ दो, खजल कर दिया भाई। इनो इधर देख, स्माइल इनो इधर, मम्मी के पास आई हूं। चलो जी और रज्जू फिर से देखो। तो भाई हम बैठ चुके हैं अपनी शटल के अंदर और वो है लॉर्ड ऑल्टो। ये है लॉर्ड ऑल्टो भाई, मेरे पैर ही पूरे नहीं पता नहीं क्या, पूरी चढ़ रही है सीधी चढ़ाई। तो गाइस कुछ ऐसा है व्यू यहाँ से, एक बार देख लो भाई सब गजब। सारी गाड़ी आ रही है
प्राइवेट तो गाइस थक गए क्योंकि चढ़ाई देखो कैसी है, ऐसे चढ़ गए हैं, डगा डुकुर आ गए हैं, पोटी आ गई है बच्चों। ओ भाई किसी से चढ़ा नहीं जा रहा, जितना भागना भाग किसी से चढ़ा नहीं जा रहा। ओहो ये इसे घूमना नहीं कहते, यश गिरेगा, इसे घूमना नहीं कहते, इसे टॉर्चर कहते। यश पे पहुंच गए, आ जाओ, पहुंच गए बस। यहां पक्षी पक्षी दिख रहे हैं उसको, आप फालतू आ रहे हो, तेरे सब समझ आ रहा है ना, चलो बाकी हीरोइन चल आ जा भाई, हट हट हट, ये लग नॉर्मल रही है पर एकदम सीधी चढ़ाई है। जय माता दी। चलो तो गाइस हम पहुंच चुके हैं ऊपर, और भाई यहाँ पर ना किचन है भाई, मैं तो नहीं जा रहा अंदर, कह रहा अंदर भी चढ़ाई चढ़ाई है, क्या देख रहे हैं जानवर चढ़ाई पे। तो हमने ये मंगवाया राजमा चावल साथ में सिलबट्टे की चटनी, बहुत ही बढ़िया, मुझे खा के देख ले, मुँह में पानी तो आ रहा होगा, दिखाइयो आ जाए इधर। तो भाई ये कढ़ी चावल हमने और राजमा चावल खाए, 1000 रुपये गए थे, पर ठीक है इतनी ऊपर आगे खाना सही है, मिल गया वही बहुत बड़ी बात है। नहीं अभी पानी के लिए तरस रहे थे सीढ़ियाँ यहाँ चढ़ते हुए क्या कर रहे हैं यार, ये देखो ये कौन सी तमीज है लेसेस बंधवाने की, काजल मैम देख रही है ये, नीचे कर पैर, सारी पॉटी लगा दी अपने जूते ही। तो गाइस बारिश हो रही थी तो मैं तो जा नहीं पाया क्योंकि ये भाई साहब हमारे साथ में और हम पापा की ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पर लगा दी कोको मैनन और ये हमारा दूसरा कोको मैनन, हम दोनों अपना मस्ती कर रहे हैं। ओली नो नो, इसका देखो टीथ आ गया, न्यू टी, ओ ये देखो टीथ, टीथ दिखाओ, अच्छा टीथ दिखाओ, टीथ दिखाओ, आ करो आ, आ तो करो, आ करो आ, और अच्छा आ करो आ, और अच्छा आ करो नहीं दिखा रहा, इसके टीथ आ गए हैं, ये गोप्रो पकड़ना इसको भी अपने बड़े भाई की तरह, वो भी वीडियो नहीं बनाने देता था, तू भी मत बनाने दे, सॉरी एनिमल्स तो दिखा नहीं पाया, इसी को देख लो हमारे छोटे से एनिमल का। तो भाई मैं तो बैठा होता यहाँ पर, ये पूरा जू घूम के आ गए हैं, और भाई कैसा था जू का एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा, मजा आ गया, मजा आया, मजा आया, मजा आया, मोए मोए हो गया, कर मोर में कर, अब क्या सीन है, बोटिंग जाने नहीं आना, हॉट है, हॉट है बोटिंग, चलो ना यहाँ से लेंगे बोटिंग, भाई यहाँ से दिखेगा नहीं पर वो कह रहे पानी के अंदर ना बवंडर हो रहे हैं, तो मैं बवंडर के ऊपर ही बोट चलवाएंगे ऐसे गोल गोल। गाइस अब बोटिंग में जाने रहे, बहुत खतरनाक थी तुम। तो भाई वहां से तो नीचे आ गए थे और आ गए हम अपने होटल के सामने, ये है बोटिंग की जगह, और ये देखो सीनरी देखो यहाँ से कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, देख लो भैया एक बार, और बोट बुक करा दिए दोनों, इसमें चलेंगे बस मार्केट तक, यहाँ से सीधा कहते पूरा घुमाना है, पूरा घुमाएंगे तो 420 और अगर डायरेक्ट जाएंगे मार्केट तो 320। बाकी यहाँ फ्रेम बना हुआ है, इसमें फ्रेम फोटो खिंचवा लो, बढ़िया। तो भाई बोट में हम आ चुके हैं, और भाई बहुत हिल रही है बोट, बहुत हिल रही है, और साथ में ये देख लो सीन, सीन देखो यशिक, हाँ मुझे चलानी है, अबे पागल है क्या, कह रहा बोट चलानी है इसे, सो ब्यूटीफुल यशिक।
तो गाइस बोटिंग तो अपनी हो गई और बारिश होगी तगड़ी। चश्मा देखो गीला हो रखा है पूरा। और ये है यहाँ की तिब्बतन मार्केट। हाँ जी आ गया मजा। गीले हो गए। अरे पहली बोटिंग जाने जितनी फील ली जाती जू देखने। तो भाई तिब्बतन मार्केट आए और मोमोज नहीं खाए तो क्या फायदा, मैंने भी पूछा है। कह रहे सोनम के मोमोज खाओ सबसे बढ़िया है। तो चल रहे हैं सोनम के मोमोज खाने। तो भाई ये है यहाँ पर कहा सोनम मोमोज। इधर मिलते हैं नॉन वेज और उधर मिलते हैं वेज। ये दिए वेज है तो नॉन वेज लेते हैं। मटन मोमोज है सिर्फ, चिकन है ही नहीं। मटन मोमोज मटन लो ये लो ये ले यार सामने रख लेना। भैया चटनी थोड़ी और डाल दो। वेज भी लेके आता हूँ मैं। तो इधर मिलते हैं वेज। बस तुम बीच में रुको बस, जहाँ पे थे बीच में मंदिर वाला जो गेट है। ये वेज के लिए। तो भाई ये एक आगे मटन दो वेज और एक बार देख लो फुल ऑन भीड़ है। अब खाते और बताते कैसे। टच नहीं करना। बढ़िया। और लो और लो। कैसे लगे आपको? और बढ़िया है मटन के हिसाब से तो ले लो। मटन ही ले लो बस। भाई मोमोज तो बहुत अच्छे थे। ऊपर आंसू निकाल दिया। लाल मिर्ची में ऐसी मिर्ची थी रात को पता चलेगा या सुबह। इसके सारे मिर्ची कम कर रहे हैं। एक मिनट पहले ना इसने छतरी ली ये स्पाइडरमैन वाली तो वो लड़ने लग गया। अब उसने लिए जिसपे सारे बने हुए। अब वो कह रहा है कि मेरे बने हैं। धोखा हो गया रुहान। रुहान धोखा हो गया। रुहान धोखा हो गया। धोखा तो गाइस हम आ गए थे अपने होटल और भाई बारिश बारिश इतनी तेज हो रही थी ना कि मैं तो रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा। मैं पहले होटल पहुंच गया बच्चे को लेके और फिर ये इन्होंने कुछ खाया नहीं था तो हम इसको अपने होटल के अंदर ही रेस्टोरेंट है देखो एक बार जरा। फुल एकदम वो सफारी वाइल्ड लाइफ पे बना हुआ है और ये इनू यही खाना खा रही है बैठ के। इसको इसको चाहिए फाइन डाइनिंग। ये ऐसे रूम वूम में बैठ के नहीं खाती। ये कहती फाइन डाइनिंग कराओ मुझे। हेलो तो कर दे। तो कुछ खास सीन यार आराम से ऊपर बैठेंगे सामने लेक का व्यू लेंगे और थोड़ी सी पार्टी करेंगे रात को बस। फिर कल सुबह का सीन ऐसे यहाँ से जाएंगे नीम करोली और वहाँ से सीधा दिल्ली। तो कल रात को 10-11 बजे तक पहुँच जाएंगे दिल्ली। तो भाई थोड़ा बहुत रेस्ट करा और आराम से लेटा ये सो गया था। अमीशा और ईशा चले गए थे मार्केट घूमने के लिए और मैं आराम से साइश के साथ लेट गया सो गया। मैं भी उठे बस थोड़ा स्नैक्स वगैरह चल रहे हैं और उधर डिनर आ रहा है और साथ में जो दो बच्चे हैं ना भाई प्लीज मुझे कोई बताओ कि ऐसे दो शैतान बच्चों को क्या कर सकते हैं। सजेशन दो। ये देखो जरा क्रीचर्स ये दोनों क्रीचर्स हैं अलग प्लेनेट से। तो भाई खाना पीना तो हमने सबको हो गया था और यार ज़्यादा रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि जो सोनम के थे पता नहीं कौन से थे मोमोज वो मोमोज ना भाई बिल्कुल सही नहीं थे। उन्होंने मेरे स्टमक इतना अपसेट कर दिया ना। मत खाना नैनीताल आके वो मोमोज मत खाना भाई मेरे पेट में पूरा ख़राब कर दिया उन्होंने सिस्टम। खाना ये सब पड़ा था भाई मैंने तो कुछ नहीं खाया इन सब ने खाया। मैं तो उसी को डाइजेस्ट करने में लगा हूँ अभी भी। बहुत गलत थे या तो पता नहीं उसकी रेड वाली सॉस गलत थी क्या थी मुझे नहीं पता। तो गाइस अब तक का सीन यही है कि अपना कल सुबह निकलेंगे नीम करोली बाबा वहाँ के दर्शन करेंगे और फिर जाएंगे दिल्ली। तो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं किसी अच्छे से नए व्लॉग में मतलब कल सुबह
नीम करोली बाबा के दर्शन के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, नई वीडियो आने वाली है फटाफट। टिल देन बाय बाय।